आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हॉलीवुड की सबसे हॉरर फ्रेंचाइजी द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के अपकमिंग मूवीज के बारे में। द कॉन्जरिंग यूनिवर्स एक ऐसी हॉरर फिल्म फ्रेंचाइजी है जो कि रियल लाइफ केसेस पर आधारित मूवीज को बनाती है। जैसा कि आपने इसके मूवीज में देखा होगा कि ये पैरानॉर्मल केसेस पर ही द कॉन्जरिंग मूवी को बनाया था, जिसे देखकर आज भी दिलो दिमाग में इस मूवी को लेकर एक अलग छवि बनी है। द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की अब तक बनी मूवीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले 2013 में द कॉन्जरिंग मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका तो पहले द वेरन फाइल्स नाम रखा गया था, लेकिन बाद में इसे रिटाइटल करते हुए द कॉन्जरिंग रख दिया गया। ये फिल्म वॉरेंस के 1971 इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड था, जिसमें वॉरेंस एक दुष्ट आत्मा पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसका साया रोड आइलैंड में एक फार्म हाउस पर था। 19 जुलाई 2013 में रिलीज हुए इस मूवी को काफी सक्सेस और पॉजिटिव रिव्यू मिला और महज 20 मिलियन डॉलर से बनी इस मूवी ने 318 मिलियन डॉलर की कमाई करी, जो कि किसी भी हॉरर मूवी की कमाई से कहीं ज्यादा है। और उसी के कुछ ही दिन बाद कॉन्जरिंग यूनिवर्स ने स्पिन ऑफ करते हुए एनाबेल डॉल के ओरिजिन पर फोकस किया, जिसे आपने कॉन्जरिंग मूवी में देखा था। 2014 में आई एनाबेल को जॉन लियोनाटी ने डायरेक्ट किया था, जो कि 2013 में आए कॉन्जरिंग मूवी के प्रीक्वल था। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी नेगेटिव रिव्यू दिए, लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफी अच्छी कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। इसके ठीक बाद 2016 में द कॉन्जरिंग की सीक्वल बनाते हुए द कॉन्जरिंग 2 को रिलीज किया गया। इस फिल्म में 1977 का इवेंट दिखाया गया, जो कि लंदन की एक केस पर आधारित था। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से ही अच्छे रिव्यू मिले और उसके बाद एनाबेल डॉल पर फोकस करते हुए कॉन्जरिंग निर्माताओं ने एनाबेल की प्रीक्वल बनाने का फैसला किया और मूवी का नाम था एनाबेल क्रिएशन, और जिसे 2017 में रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म की कहानी में एक डॉल मेकर और उसकी वाइफ को दिखाया गया, जिसकी डॉटर ट्रेजिकली 12 साल पहले एक्सपायर कर जाती है। इस फिल्म में लियोनेटी को रिप्लेस करते हुए डायरेक्टर डेविड सनबर्ग फिल्म को डायरेक्ट करते हैं और वहीं इस फिल्म को एक कामयाब फिल्म बनाते हैं। और इसके बाद फिर से स्पिन ऑफ करते हुए द कॉन्जरिंग यूनिवर्स ने द नन मूवी को रिलीज करने का फैसला किया, जो कि एक डीमन नन पर आधारित है, जिसे आपने कॉन्जरिंग 2 में देखा था। अभी तक हम उन मूवीज के बारे में बात कर रहे थे जिसे द कॉन्जरिंग यूनिवर्स में रिलीज कर दिया गया है, और इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन कौन सी मूवीज है जो आने वाले सालों में द कॉन्जरिंग यूनिवर्स से जुड़ेंगी। तो इसी साल द कर्स ऑफ ला इरोना रिलीज किया जाना है, जिसे कुछ दिन पहले कंफर्म कर दिया गया कि इस मूवी का कॉन्जरिंग यूनिवर्स से कनेक्शन है। द कर्स ऑफ ला इरोना मूवी में एक सोशल वर्कर एना की कहानी को दिखाया जाता है, जो बाद में वीपिंग वुमन बन जाती है। इस मूवी के ट्रेलर और प्लॉट की ज्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें, और वहीं इस मूवी को 19 अप्रैल को रिलीज किया जाना है। और इसी साल 28 जून 2019 में एनाबेल की थर्ड फिल्म एनाबेल कम्स होम रिलीज किया जाना है, जिसका अनाउंसमेंट टीजर कुछ ही दिन पहले रिलीज कर दिया गया, जहां पर मूवी रिलीज डेट और उसके नाम पर कंफर्मेशन कर दी गई है। गैरी डाबरमैन इस फिल्म से डायरेक्शन की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। और अगर इस मूवी की प्लॉट की बात करें तो एक बार फिर एनाबेल डॉल को वुडन बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो फिर बाहर निकल आती है और नई टारगेट को सेट करते हुए एक नई स्टोरी बनाती है। इस मूवी की ज्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें। इस मूवी की रिलीज के बाद द कॉन्जरिंग यूनिवर्स द कॉन्जरिंग 3 को बनाएगी, जिसके डायरेक्टर रहेंगे माइकल चाफ्स, और एक बार फिर से विल्सन और फर्मिगा अपने रोल को रिप्राइज करते हुए देखे जाएंगे। हालांकि द कॉन्जरिंग मूवी के दोनों पार्ट को जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया था, लेकिन द कर्स ऑफ ला इरोना को देखते हुए जेम्स वॉन माइकल चाफ्स से काफी इम्प्रेस हुए और उन्हें इस मूवी में काम करने का मौका दिलवाया। द कॉन्जरिंग 3 मूवी को सितंबर 11, 2020 में रिलीज किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर सभी मूवी की टाइमलाइन की बात करें तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, या इन मूवी के इवेंट सीक्वेंसेस की बात करें तो द कॉन्जरिंग, एनाबेल, द नन, द कर्स ऑफ ला इरोना 1952 से लेकर 1977 तक के इवेंट के बीच के हैं, जिसमें से द नन मूवी इवेंट के हिसाब से सबसे पहली फिल्म, और उसके बाद एनाबेल क्रिएशन, फिर एनाबेल, उसके बाद एनाबेल कम्स होम, द कॉन्जरिंग, द कर्स ऑफ ला इरोना, और आखिरी में द कॉन्जरिंग 2 है। इन सभी मूवीज के अलावा द कॉन्जरिंग यूनिवर्स एनाबेल और द नन की ही तरह एक बार फिर से स्पिन ऑफ करते हुए द क्रूक्ड मैन पर मूवी बनाने जा रही है, जिसके स्टोरी के बारे में अभी कुछ रिवील नहीं किया गया है, लेकिन यह मूवी कॉन्जरिंग 3 के बाद रिलीज होगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल या कन्फ्यूजन है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह मूवीज से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।